सभी किसान कामगार भाइयों को राम राम नमस्कार। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर हापुड़ के एग्री मार्केट की पड़ताल। हापुड़ के यामीन लोहार के कल्टीवेटर टेलर हैरो मांझा आलू बोने की मशीन, गन्ना की जुताई करने की मशीन, गन्ना बोने की मशीन से लेकर के सभी प्रकार के एग्री इंस्ट्रूमेंट यहाँ मिल जाते हैं। हापुड़ में किठौर रोड पर नेहा एग्रीकल्चर स्टोर का गोदाम है। आप देख रहे हैं इस गोदाम का बना हुआ कल्टीवेटर किस तरह है जमे हुए खेत की जुताई कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के एग्री इंस्ट्रूमेंट काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। कहा जाता है कि दादा ले पोता बढ़ते, ऐसे मजबूत और सस्ते एग्री इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। यह हापुड़ में किठौर रोड है और इस किठौर रोड पर नेहा एग्रीकल्चर स्टोर का यह गोदाम है। दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज यहां हापुड़ के बाज़ार में हूं और यहां मेरे पासर में देख रहे हैं नेहा एग्रीकल्चर स्टोर है और काफ़ी दिनों से यहां अच्छी किस्म के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। इस स्टोर के मालिक से हम आपकी बात कराएंगे, कौन सा एग्री इंस्ट्रूमेंट किस कीमत पर आपको मिल सकता है, किस कंडीशन में, क्या उसकी गारंटी और वारंटी होती है। काफ़ी दूर दराज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों के लोग यहाँ हापुड़ के बाज़ार में एग्री इंस्ट्रूमेंट खरीदने आते हैं और मैं यहाँ नेहा एग्रीकल्चर स्टोर पर हूँ और किस किस तरह का एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यहाँ किस कीमत पर उपलब्ध हो सकता है, आइए पूरी पड़ताल करते हैं इस गोदाम की। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। इमुद्दीन जी, आप जो है कब से बना रहे हैं पहले तो बताइए, एग्री इंस्ट्रूमेंट कब से बना रहे हैं? ये लगभग हम 10 साल से बना रहे हैं यहाँ। अच्छा, आप ही बनाते हैं कि आपके अब्बा जान भी बनाते थे? हाँ, हमारे अब्बा जान, पुराना ही काम है हमारा, मतलब कुछ दिन ही काम है। तो अब ये आपकी जो देख रहे हैं मशीन, ये जो गेहूं बोने वाली मशीन है, ये गन्ना बोने वाली मशीन है। हाँ, ये 3 फाले वाली है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें ये कितना साइज क्या है, वजन कितना होगा इसमें? इसमें 1 क्विंटल 20 किलो वजन है और ये लमसम समथिंग 9,500 रुपये का हैवी ड्यूटी का बना हुआ। बिल्कुल हैवी ड्यूटी का है, 1 क्विंटल 20 किलो वजन। हाँ, और 33 इंची तक ये गन्ना बोधेगा। अच्छा, 33 इंची गहराई पे? हाँ, 33 खुड़ जो है, खुड़ से खुड़ की दूरी 33 इंची लास्ट कर सकते हैं। 33 इंची है। हाँ, बड़े फ्रेम पर बना हुआ है। अच्छा, बड़े फ्रेम पर बना, उसकी गहराई कितना देगी ये कम से कम? ये गहराई तो ये लगा लो लगभग 10 से 12 इंची गहराई आराम से दे देगी खूब। अच्छा अच्छा, ये तीनों आपके जो है एक ही तरह की मशीन, एक ही साइज है? हाँ, हल्का इसमें हल्के भारी का फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इससे हल्का कौन सा है, कितने वजन का है आपके पास? तो फिर 1 क्विंटल 5 किलो का है, वो थोड़ा सस्ता है। और अच्छा, ये 1 क्विंटल 5 किलो का है। हाँ जी। ये कम से कम ग्राहक को कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है? ये कम से कम दे देंगे 8,500 रुपये। ये 8,500 का है? हाँ जी। और ये कितना बता रहे थे आप? ये 9,500 रुपये। ये 9,500 का है। हाँ जी। तो अब तो ये रही गन्ना बोने वाली मशीन आपकी, हम आपके कल्टीवेटर की बात करते हैं या? हाँ जी, है ना, टेलर की बात कर रहे हैं। ये कल्टीवेटर है, गन्ना जोतने का है, ये सादे वाला। अच्छा अच्छा, ये सादे वाला जो गन्ना जुताई करने वाला? हाँ जी, हाँ जी। ये भी हैवी ड्यूटी का बना हुआ है जी। इसमें लगभग 1 क्विंटल 35 किलो वजन है। कितने फाली हैं इसमें? इसमें 9 फाली हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये गन्ना की जब बहुत तैयार हो जाती है और फसल तैयार हो जाती है तो उसमें जुताई वाली? हाँ जी, हाँ जी। इससे हम गन्ना भी जो सकते हैं, बिलिया वगैरह, आजकल मिर्च बोई जा रही है जो भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मिर्च भी जो सब्जी के काम में मतलब इस्तेमाल हो रहा है, इसी हिसाब से इसकी सेटिंग करी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें कितना वजन है? इसमें 1 क्विंटल 35 किलो वजन है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कितनी कीमत का उपलब्ध हो सकता है? ये उपलब्ध हो जाएगा 11,500 रुपये का जी। ये 11,500 रुपये? हाँ जी। तो इसमें यही साइज है कि और कोई साइज भी आपके पास? नहीं, इसमें हम लगभग हैवी ड्यूटी का बनाते हैं क्योंकि गहरे जुताई करता है किसान, तो इसे हैवी ड्यूटी का ही रखते हैं, इसमें नॉर्मली बनाते। अच्छा, वो भी उधर भी जो वो मशीन? हाँ, है वो सब है। एक ही है वो। अच्छा अच्छा। और ये गन्ना बोने की हम बड़ी मशीन देख रहे हैं आपकी भाई साहब, ये फिर चार टांग वाला है? ये 4 टांग वाला जो है। हाँ, इसमें गन्ने वाली मशीन। हाँ जी, ये 1.5 क्विंटल वजन है लगभग इसमें और ये 13,000 रुपये का है। अच्छा, 13,000 रुपये का। इस पर तो ट्रैक्टर भी बड़ा काम करेगा? नहीं, छोटा ट्रैक्टर कोई सा भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हॉर्सपावर का कम से कम काम कर सकता है इस पर? 3500 हॉर्सपावर आराम से काम कर देगा। 3500 हॉर्सपावर काम कर देगा। कितना है इसमें? 4 फाले हैं आपके? हाँ जी, है ना। कितना वजन बता रहे हैं आप इसमें? इसमें 1.5 क्विंटल वजन। 1.5 क्विंटल वजन है। तो ये कम से कम कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है आपको भाई साहब? ये 13,000 रुपये का उपलब्ध हो जाएगा। जो इसमें थोड़ा हैवी लेंगे तो वो 14,000 रुपये का है। अच्छा। हाँ, और फिर वो पीछे बेड बनाने का है? अच्छा अच्छा, पैड। हाँ, उसके? हाँ, इसके पीछे जो रखा हुआ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक स्पेशल आइटम है। अच्छा, इसी में ये हाँ, सिस्टम हाँ, वही है मतलब लेबर का? हाँ। अच्छा अच्छा। ये कितना बड़ा पैड बना देगा आपका है? ये जो इसमें हम लेकर 48 इंची है और 6.5 फीट तक बेड बना सकते हैं, मतलब सिंगल भी कर सकते हैं और डबल करना डबल कर लो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आजकल जैसे किसान नई तकनीक से गन्ना बो रहा है जी, तो बीज क्या इसमें से खोल दो
और साइड होके लगा गन्ना बोलो इसमें। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये कितना वजन है आपका ये पैड बनाने वाला? इसमें 2 क्विंटल वजन है। 2 क्विंटल वजन है हाँ जी। तो और ये क्या कीमत मानो इसकी भाई? इसकी कीमत रहेगी जी 20,000 रुपये। इसकी कीमत 20,000 रुपये। हाँ। और गुंजाइश कुछ रेट में थोड़ा बहुत हो सकती है वो? तो जब देखो किसान आता है 19-20 जो भी है वो हो जाता है वो तो। अच्छा, कोई अच्छा। और आप तो टेलर हैं आपके पास भाई साहब? हाँ जी। ये कितने कितने फाली के हैं, कितने वजन वाले हैं बताइए? ये टेलर 2 क्विंटल 20 किलो का है ये, और ये, हाँ, ये टेलर जी, हाँ जी। और ये सख्त जमीन को बिल्कुल अच्छा काम करेगा, ट्रैक्टर पर लोड नहीं देता, क्योंकि हम जो तैयार करते हैं अपना टाइन लगा के बाजार से करनाल से अपना स्पेशल बैंड गेरते हैं इनमें लाके। अच्छा, बैंड आपका स्पेशल है? हाँ। इसमें फाली वगैरह आपकी कहाँ की बनी हुई है? ये फाली करनाल की बनी हुई है सब। अच्छा, फाली और बैंड जो है करनाल के हैं आपके? हाँ जी। ये फाली कितनी हो गई इसमें? 2, 4 इसमें 9 ले गए आप, 9 फाली से और 13 फाली तक का बनाते हैं कल्टीवेटर। अच्छा, 9 और 13 का बनाते हैं? 9, 11 और 13 तक का बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं कितनी फाली का है आपका? ये 9 का है। 9 का है हाँ। तो वजन कितना हो गया इसमें भाई साहब? इसमें 2 क्विंटल 20 किलो वजन। 2 क्विंटल 20 किलो, कम से कम कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है इसकी? ये हम दे देंगे जी आपको 18,000 रुपये का। 18,000 को दे देंगे? गारंटी वारंटी कुछ रहेगी इसकी? गारंटी होगी जी, इसकी फुल गारंटी होगी, लोड की गारंटी और टूटने फूटने की सब चीज की गारंटी। अच्छा अच्छा, ये भी हम जो आपका देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल स्पेशल आइटम है, ये मिलने का नहीं आसानी से जी, पूरे यूपी में नहीं मिलने का। मतलब क्या खास बात है इसमें? इसका वजन ये, जो अलग से लगे हुए ये मेड़ा रोकने के लिए लगा रखी है। अच्छा, जिससे किसान को मेड़ा रख के ले जाए, कोई वेल्डिंग नहीं है, इसी में सेटिंग करवा गई है। अच्छा 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 हाँ जी। इसकी टाइन जो है, जो ओरिजिनल इंग्लैंड टाइन आती है ना, पहले आती थी, ये इसमें जो ये टाइन जो है, इसकी टाइन की खूबी है ये जी जी, ये इस टाइन की खूबी है। इससे क्या लाभ है? इससे लाभ ये है, इसे आप 2500 ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। 2500 चला सकते हैं? ये इसमें भी कुछ ये सब टेम्पर कमानी के बने हुए हैं, स्प्रिंग बढ़िया टाटा की गिरी हुई है इसमें। और ये है नौ फाली का है। नौ फाली का है जी। हाँ, 2500 पावर भी चला सकता है इसे? 2500 पावर आराम से चला है, कोई दिक्कत। कितना वजन है भाई साहब इस टेलर में? इस टेलर में 2 क्विंटल 5 किलो वजन है। अच्छा, ये कम से कम कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है? ये कम से कम 20,000 रुपये में मिलेगा जी। 20,000 में मिलेगा? हाँ जी। और हम आपका भाई साहब ये टेलर देख रहे हैं, ये भी ये जो टेलर देख रहे हैं, ये 11 फाली का टेलर है। 11 फाली का टेलर है? हाँ जी। तो इसमें इसकी जो है वही बनावट है, इसमें कुछ अंतर है? नहीं, ये अलग चीज है। अच्छा अच्छा, इसमें कितना वजन होगा यार? इसमें 2 क्विंटल 40 किलो वजन है। अच्छा अच्छा, ये हाँ। क्या गारंटी क्या रहेगी इसकी? गारंटी फुल गारंटी, लोड की गारंटी, टूटने फूटने की गारंटी है। अच्छा अच्छा, इसमें हाँ। फाली नहीं अलग से लगेगी ना? फाली हाँ, फाली अलग लगा, जब ले जाता है किसान जब भी लगाए। वजन कितना बता रहे हैं आप इसमें? इसमें 2 क्विंटल 40 किलो वजन है। क्या कीमत पर उपलब्ध होगा 11 फाली का? ये 11 फाली का, जैसे फिलहाल में लोहे की तेजी है तो ये 24,000 रुपये का है। 24,000 का? हाँ जी। अच्छा, बताइए आजकल जो राजस्थान में नौनेरा के बनते हैं टेलर, और उसमें पाइप और लगाते हैं, तो वो क्या वजह है? गोल पाइप लगाते हैं और उससे कहीं उसका फ्रेम चेस है जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होता, मजबूती से बना रहता है, बताते हैं उससे लोड कम पड़ता है, सब फाली एक साथ? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपके यहाँ कोई सीधे ये फ्रेम चेस ही मजबूत है या पाइप की जरूरत नहीं होती बताएं? नहीं, हमें पाइप की जरूरत नहीं है, हमने तो सपोर्टें लगा दी बीच में ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीच में ये सपोर्ट लगा रखी है, ये वाली सपोर्ट लगा हाँ जी आपने, ये पाइप का जगह है ना, ये सब सपोर्ट लगी हुई है और फ्रेम कहीं नहीं जाता ये। अच्छा, ये फ्रेम काफी मजबूत है आपका? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, और ये हम आपकी ये मशीन देख रहे हैं एग्री इंस्ट्रूमेंट भाई साहब आपका, ये गन्ना, ये भी गन्ना 5, 2, 10, 15 इसमें फालियां हैं। हाँ, ये गन्ना जोतने का है ये भी। अच्छा, गन्ने जोतने का है? हाँ जी। ये जो है कौन सी ट्रेंच विधि के गन्ने की जुताई करता है, किसी और की करेगा? नहीं, ये नॉर्मल जो गन्ना बोते हैं ट्रेंच विधि भी कर लेते हैं इससे। अच्छा अच्छा, जो इतनी जो गन्ने की जो कूड़ है उसमें जो फसल है वो इसमें आ जाएगी? ये खुल जाता है, बंद हो जाता है, नेड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा इसमें हमने रकाब लगाई है अब की बार जी, ये रकाब। हाँ, तो मान लो अगर कोई दिक्कत आ रही है एक सूत की भी तो आप खिसका सकते हो, अन्य तो भी सुराग लगता है उसमें दिक्कत आती है एक इंची। अच्छा, ये जो है गन्ने की फसल की जुताई के लिए है? हाँ जी। और इसमें 15 फाली हैं आपके है? हाँ जी। तो एक तरह से कल्टीवेटर कहेंगे आप गन्ने की जुताई का? हाँ जी, है ना। तो कितना वजन है इसमें भाई साहब? इसमें 2 क्विंटल 10 किलो वजन है। 2 क्विंटल 10 किलो वजन है, और इसको हाँ। एडजस्ट किया जा सकता है? हाँ जी, इसे कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके जो कुणी जो उसकी जिस तरह से बुबी हुई है पास पास, तो उसको ऊपर नीचे इसके किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ। कम से कम क्या कीमत पर उपलब्ध हो सकता है भाई जी? ये कम से कम आज की तेजी में लगभग 17,000 रुपये मान के चलो आप। 17,000 रुपये? क्या वजन है इसका? इसका 2 क्विंटल 5 किलो वजन है। अच्छा, 2 क्विंटल 5 किलो 5 किलो 10 किलो वजन। अच्छा, और ये हम टेलर देख रहे हैं जो आपने देखे हैं इसी प्रकार के हैं, है ना, वो आप जो है वो तैयार कर रहे हैं, कौन सी मशीन तैयार हो रही है आप? ये एक स्पेशल है, ये शारदा टाइन में टीलर है ये वाला। अच्छा हाँ, इसके बहुत चाहने वाले रहते हैं, मैसी वाले, मैसी ट्रैक्टर वाले। अच्छा, मैसी ट्रैक्टर पर ये हाँ, अच्छा चलता है, चाहने वाले हैं पूरे इसके। 11 फाली का है, 9 का है? ये 9 का, 11 का सब मिलता है, ये फिलहाल में 9 का है। 9 का है? हाँ जी। तो ये क्या वजन है इसका भाई साहब? इसका वजन है 2 क्विंटल 15 किलो। 2 क्विंटल 15 किलो, क्या कीमत पर उपलब्ध हो सकता है ये? मिलेगा जी 20,500 रुपये। अच्छा, 20,000? हाँ, क्योंकि इसकी टाइन जो है ना वो ओरिजिनल शारदा की टाइन है। अच्छा अच्छा, और ये जो 11 फाली का, ये स्पेशल वार्सल गिरे हुए हैं हमने, ये भी वार्सल भी लगभग 10 रुपये का एक मिलता है ये। अच्छा, जो हाँ
ये 11 फाली का है। ये 11 फाली का वजन कितना है इसमें भाई साहब? इसमें 2 क्विंटल 40 किलो वजन है इसमें भी। कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है? ये भी 24,000 रुपये का है। 24,000 का उपलब्ध हो सकता है। तो ये आपके इसमें जो फाली लगाते हैं, जो स्प्रिंग लगाते हैं, इसकी कोई गारंटी होती है भाई जी? हाँ जी, स्प्रिंग की खुलने की गारंटी है। अच्छा, और फाली की टूटने की गारंटी नहीं है। फाली अगर खींचती है तो हम वापसी कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। हाँ जी, बदल के देते हैं ग्राहक को। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इधर हम आपके मशीन देख रहे हैं, ये गन्ने की जुताई करने वाली मशीनें हैं, है ना? सभी गन्ने की जुताई करने वाली मशीनें हैं। हाँ, ये सब गन्ने की हैं, इनका सीजन चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और वही जो पहले देखी है वही प्रकार की मशीनें हैं? हाँ जी, है ना? और कोई नई मशीन तो है नहीं आपके पास इसमें? वही मशीन जो अभी पहले देखी? हाँ, ये गन्ना जुताई के हिसाब की यही मशीनें हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये आपका ये ब्रांड है, ये फर्म का नाम है आपकी का भाई साहब, हम देख रहे हैं नेहा एग्रीकल्चर स्टोर। और ये आपका पिथौर रोड है, नज़दीक राघव एजेंसी के पास, असौड़ा पैठ हापुड़। हाँ जी हाँ, ये आपका पता बता है। तो भाई साहब ये बताइए, आपका नंबर, मोबाइल नंबर बता दीजिए, कोई ग्राहक आपसे कहीं संपर्क करना चाहे। ये नंबर है हमारा 72 48 72 और 56 46। अच्छा, इस नंबर पर आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और व्हाट्सएप नंबर भी है किसी एग्रीमेंट का, यदि आपको फोटो देखना हो ग्राहक को व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप पर फोटो उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा देते हैं। और रेट वगैरह की भी आपसे बात कर सकता है? बिल्कुल। या कहाँ कहाँ आसपास के इलाके में आप अपना एग्रीमेंट भिजवा सकते हैं? देखिए, हमारा भेजने का जो है, इधर तुम्हारा हरियाणा जाते हैं जी, और इधर मवाना मीरापुर तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर मेरठ लावड़ मसूरी पड़ता है। अच्छा, जब और इधर, हाँ, ये गढ़ का क्षेत्र पूरा घेरा हुआ है हमारा ये। अच्छा, आलू और जो हमारा आलू बोने का और आलू खोदने की मशीनों का बहुत बड़ा काम है। अच्छा, आलू बोने आलू खोदने की मशीन भी आप बनाते हैं? ये तो हमारा एक किस्म से पार्ट टाइम काम है। ये पार्ट टाइम है, बड़ा काम आलू खोदने की बोने की मशीन है। तो आलू खोदने की मशीन आपके यहाँ कम से कम कितने पैसे की मिल जाती है, क्या उसके बारे में बताइए थोड़ा सा? आलू खोदने की मशीन अब जो बेड वाली चल रही है स्पेशल, जी जी जी, गोल वाली तो बंद हो गई है, जो बेड, हाँ जी, बेड वाली जो मशीनें हैं वो लेके हम चकले वाली से और ऑटोमेटिक तक बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं। हाँ, तो चकले वाली जो मशीन है वो इस टाइम 40,000 रुपए की है। अच्छा, सिंगल बेड, सिंगल बेड की। हाँ जी, उसमें फर्टिलाइजर का जुगाड़ साथ देंगे लगा करके। अच्छा अच्छा। वो फिर एक पट्टे वाली आती है जो साइड में बैठ जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 55,000 रुपए की है। अच्छा, और खोदने वाली? आलू खोदने वाली जो हम स्पेशल बेड के लिए बना रहे हैं पोटैटो डिगर, वो इस टाइम 70,000 रुपए का है। बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी स्पेशल खूबी है कि आगे भी रूला लगा के दे रहे हैं और पीछे भी रूला लगा के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और पैड बनाने की, खाली पैड बनाने हो, किसी को टमाटर के पैड बनाने हो या इस तरह के? हाँ, वो भी है, वो बने रखे हुए, उधर रखा हुआ है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, पैड जो जो उधर हमने देखा था। हाँ जी हाँ जी, उससे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि किसान को मैं तो ये कहूँगा फायदा उसी में है। मान लो अगर आपको मिर्च भी बोनी है या टमाटर बोना है या मटरा बोना है, तो उससे बढ़िया जुगाड़ नहीं है, बाकी उसके सामने से फेल है। अच्छा, ये कुल मिलाकर कोई ऑर्डर पर कोई सामान बनवाना चाहे विशेष तौर पर, हाँ, कोई ग्राहक तो आपसे ऑर्डर दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक सप्ताह में माल तैयार करके दे सकते? बिल्कुल, जैसा ऑर्डर देंगे वैसे ही एक दिन का दो दिन का टाइम ले लेते हैं, हाथों हाथ भी दे देते हैं ऐसा। बाकी हमारी कोशिश है कि हम अपने आप भी ज़्यादातर हैवी सामान बनाते हैं। अच्छा, काफी मजबूत सामान बना। हाँ हाँ हाँ, ये स्पेशल आइटम है और बहुत हैवी ड्यूटी के बना रखे हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इस पर काम कर सकता है? इस पर आप, इसमें हॉर्स पावर की जरूरत नहीं है, 25 से लेकर 30-35 हॉर्स पावर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या डोल बनाएगा, क्या काम करेगा? हाँ जी, ये डोल बनाएगा। मान लो गीला खेत है या सूखा खेत है, टाइट मिट्टी में डोल बनाया था, बड़ी ऊंची बढ़िया करके। अच्छा, काफी ऊंची डोल, कितनी ऊंची की डोल बना सकता है ये? 1 फुट तक एक बार में ले आएगा, 1 फुट तक सूखे खेत में भी डोल? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में ले आएगा ये। अच्छा अच्छा। तो क्या वजन है इसमें भाई? इसमें लगभग 1 क्विंटल 20 किलो वजन है। अगर किसान अपना स्पेशल बनवाना चाहेगे, नहीं जी हमें तो और मजबूत चाहिए, तो वो भी बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एक समय में एक ही डोल बना के चलेगा ये? हाँ जी, एक समय में एक ही डोल बना के चलेगा। क्या कीमत पर ये पेंट नहीं हुआ अभी तैयार हो रहा है? हाँ, कितनी कीमत पर उपलब्ध हो सकता है ग्राहक को? ये फिलहाल में इस टाइम 12,500 रुपए का है। अच्छा, वजन कितना है इसमें? इसमें 1 क्विंटल 20 किलो वजन है। 1 क्विंटल 20 किलो वजन है। और ये डोल बनाने का एक और हम देख रहे हैं ये आपका, ये? हाँ जी, ये प्लेटों में बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो काफी कम वजन का होगा, हल्का होगा? नहीं, हल्का नहीं है, अभी 70 किलो वजन का। 70 किलो वजन का। हाँ, ये 5 mm की प्लेट में बना हुआ, नीचे से ऊपर लो सारा। अच्छा अच्छा। ये क्या इसका कीमत क्या है भाई साहब? इसकी कीमत है जी 4800 रुपए। 4800 रुपए का, यानी सिंगल डोल बना सकता है ये? हाँ, ये भी सिंगल डोल बनाएगा। अच्छा, कितनी चौड़ी डोल बनाएगा, कितनी ऊंची बनाएगा ये? इसमें सब फोल्डिंग है, किसान चाहे 1 फुट चौड़ी डोरी कर सकता है, चाहे 6 इंची भी, चाहे जो उसकी मर्जी है किसान की। अच्छा 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 अच्छा। वो चौड़ी बना सकता है और नेड़ी भी कर सकता है। इसमें तो एक ही साइज बनेगा? नहीं नहीं, इसमें भी एक साइज नहीं है, ये सभी से बोल्ट ढीले करके अंदर कर लो, चाहे बाहर कर लो। अच्छा अच्छा। चाहे मिट्टी का घुमाओ, ऐसा करना ऐसा करना, वो सब जो जैसे चाहे घुमाओ मिट्टी का, जैसे डोल चाहे उस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा इसमें एक फायदा हो रहा है, मान लो किसान का डोले पे ज्यादा घास है, ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहा, तो इधर का खोल दो, उल्टा करके ऐसे लगा लो, डोला बिल्कुल सीधा करता चला जाएगा, झांकता हुआ चला जाएगा। अच्छा, जो डोले से घास भी मिटा देगा ये? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये मशीन हम आपकी देख रहे हैं भाई साहब, आलू, ये गन्ना, गन्ना बोने वाली रेजर है।
है, रिजर है गन्ना बोने वाला। हाँ जी, और अभी तैयार हो रहा है आपका? हाँ, ये पेंट होएगा, तैयार एक दो तीन फाले का है। हाँ, और ये तैयार हो गया, आज ही बागपत जाएगा ये। अच्छा अच्छा, बागपत का क्या वजन है जी इसका आपका? इसका वजन है जी 2.25 क्विंटल वजन है। पौने 2 क्विंटल वजन है। हाँ जी। और क्या ये इसकी कीमत पर क्या है, कम से कम कीमत बताइए। ये हमने बागपत ही दिया है, 22,000 रुपए का दिया है। 22,000 का दिया है। हाँ जी। कितना 2 क्विंटल वजन बता रहे हो आप इसमें? 1 क्विंटल 80 किलो। 1 क्विंटल 80 किलो। हाँ जी। इसके फाले वगैरह की कुछ गारंटी वारंटी? इसकी फुल गारंटी है, बिल्कुल हैवी ड्यूटी बना हुआ है, बेहिसाब हैवी बना हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये आप जो है थ्रेसर वगैरह की मरम्मत का भी काम करते हैं भाई? थ्रेसर की जाली बनाते हैं? हाँ, ये जाली बननी है थ्रेसर। किसी प्रकार की फसल की निकासी के लिए जाली? हाँ जी, मटर की जाली, गेहूं की जाली और सरसों वगैरह सब जो इस्तेमाल होने वाली जाली, दाल दलहन और फसल गेहूं की वाली सभी प्रकार की जाली बनाते हैं। हाँ जी, रिपेयर करते हैं थ्रेसर। तो भाइयों, आपने देखा हापुड़ में ये नेहा एग्रीकल्चर स्टोर का ये कारखाना है, विभिन्न प्रकार के एग्री इंस्ट्रूमेंट यहाँ बन रहे हैं और काफ़ी मजबूत है एग्री इंस्ट्रूमेंट हैं, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और दमदार हैं। और ये लोहार जाति से हैं, मोमडन भाइयों में, काफ़ी दिनों से इनका कारोबार, अच्छा खासा कारोबार है, गारंटी के बनाते हैं। हमने कई बाज़ार की पड़ताल दिखाई है, लेकिन आपके यहाँ का बाज़ार भी दिखाया है और रेट जो आपने देखे काफ़ी मुनासिब हमको यहाँ के रेट मालूम हो रहे हैं। फिर भी आप इनसे सीधे जो नंबर बताया है भाई ने, उनसे संपर्क कर सकते हैं और खेती किसानी का बेहतर काम यहाँ के एग्री इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। नमस्कार।